वी आर सिटिंग इन द कार बट अवर मेन फोकस इज वाटर हाइड्रेशन कीप हाइड्रेटेड कीप हाइड्रेटेड लुक एट दैट दोस्तों सामने थोड़ा खो गए हम कहाँ पे हमें जाना था फील तो आ रही है देखो फील तो आ रही है समझ रहे हो जो फील होती है ना एडवेंचर ट्रैवल टूरिंग वाली फील आ रही है रात को दोस्तों अरे सर वेलकम सर वेलकम ये बुरा मतलब कभी कभी लगता है कि मैं थोड़ा लकी हूँ कि बिकॉज ऑफ यू गाइस आग लगा रखी है वीस्टॉर्म में मतलब कोई भी अगर मेरे को आज वैल्यू मिल रही है यूट्यूब और सोशल मीडिया के थ्रू तो सही बताऊँ दोस्तों उसमें आपका ही सबसे बड़ा हाथ है अब इसको फिर से गंदी करते हैं अच्छा हेलमेट उतार भैया हमें तो जब डायरेक्टर साहब बोलते हैं तभी उतारते हैं हम हेलमेट सो दोस्तों हम आ गए हैं डीलरशिप पे और इसका नाम है समरिया सुजुकी तो मैंने पूछा मेरे को पता नहीं था इसका मतलब तो ये गोत्र है यहाँ पे उसका मतलब है समरिया सो पांच ब्यूटीफुल वी स्टॉर्म स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ सुजुकी शोरूम इन जयपुर विनय बिकम अ सुपर स्टार रजनीकांत हम इससे क्यों जा रहे हैं सीरियल एडवेंचर की आदत पड़ी हुई है हेलो सर गुड इवनिंग दिग्विजय मोस्ट वेलकम गाजियाबाद सो हियर आर द वी स्टॉर्म्स जो हम चला रहे हैं And the beautiful Gixxer. सही लगते ना Gixxer स्पोर्ट्स बाइक आई नो कुछ लोग R15 पर ये वाली भी काफ़ी दिखती हैं Gixxer. थैंक यू फोटो ले लो वीडियो ले लो बता रहा हूँ डिलीट कर दूंगा क्या तुम्हें पसंद नहीं है क्या पसंद नहीं है जो खींची हैं मैंने जो आपकी एक आधी उनकी खींची है ले लो आईफोन नहीं है ना लग नहीं रहा आप इंटरेस्टेड हो अरे समझ सकता हूँ पर हम तो लेंगे आपसे चैनल मैंने सबसे ज्यादा रूट मैप इन्हीं के यूज किया भाई साहब इधर देखो आप मैंने मतलब लेह लद्दाख गया था जब भी मैंने इन्हीं का रूट मैप यूज करा मैं स्पीति का भी प्लान कर रहा था तब भी मैंने इन्हीं का रूट प्लान करा मेरे वो फोन में हमेशा सेव रहता था तो बहुत हैप्पी टू हेल्प यू बहुत नॉलेज मिली आप थैंक यू ब्रदर नाइस ऐसा लग रहा है घर आ गए और उसके बाद मिलाते हैं जो हमारी बाइक आज सर्विस करने वाले हैं ही इज आल्सो सुपर बाइकर तो पूरा ट्रिप आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपका नाम सर सो ही सर्विस सुपर बाइक सिकंदर और सिकंदर भैया ऑन 10R आगे सिकंदर लिखा हुआ है सर क्या दिक्कत है चलो भैया पन्ना भैया भूसा 10R या हम 200 सो दोस्तों ये ऋषभ जो सुजुकी है उसके जस्ट बराबर में स्टोर है बाइकोलॉजी एंड जयपुर में तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे मतलब बढ़िया है ना दिग्विजय नाम
थैंक यू प्लीज सर। अरे सर वेलकम सर वेलकम। कोई नहीं सर, मेरा थोड़ा सिर ज़्यादा बड़ा है। अरे आ गया आ गया आ गया, अब आ गया अब आ गया, पीछे की तरफ से आ गया। थैंक यू। लाल फूल के साथ लाल स्कूटर पे। तो दोस्तों हमारा वेलकम हुआ दो दो जगह, यू नो सच अ प्राउड फीलिंग एंड अच्छा लगता है, कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं। और आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो आप भी उतने ही खुश होने चाहिए जितना मैं हूँ। एंड लव यू दोस्तों, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, यहाँ खड़ा हूँ इस शोरूम पे या बाइक ट्रिप पे या कहीं भी। कोई भी अगर मेरे को आज वैल्यू मिल रही है यूट्यूब और सोशल मीडिया के थ्रू, तो सही बताऊँ दोस्तों उसमें आपका ही सबसे बड़ा हाथ है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। पर सर थैंक यू सो मच, आपने ये सब करा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जो ये सब कर सर, हम तो सर कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनी को हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप पूरे इंडिया में जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स देखेंगे। नहीं मैं तो सर वी स्ट्रॉन्ग ओनर हूँ, सो फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स, तो मैं तो मतलब ऑनेस्टली इतना वी स्ट्रॉन्ग कवर कर चुका हूँ। वहाँ से हम आ गए सब कर आके आते हैं यहाँ पे, कैमरा सेटअप हो रखा है, अब यहाँ शूट है हमारा, कुछ इंटरव्यू है, अब जाएंगे वहाँ धोएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर शूट करेंगे और फिर हम ये सब हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे आपका वापस बाइक लेने, फिर बाइक लेके हम जाएंगे कहीं, फिर कहीं, फिर कहीं, ऐसे डोलते रहेंगे और इंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, खुशी ढूंढ लो इसमें फटाफट, रोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। सो दोस्तों एक घंटे का भी टाइम नहीं मिला, पूरा इंटरव्यू भी ले लिया, अक्षत का भी हो गया, मेरा भी हो गया, उन चीज़ों में लगे रहे। फिर अब पैक कर रहे हैं सामान और वापस ऑन द रोड। अभी आए थे, अभी बस लेटा था, अभी मैं ये अब बताओ, अब बताओ अच्छे से, मैं ये अभी एक्सप्रेशन दिखेंगे। अभी आए थे, बस लेटा था, मतलब लेटा था, एक मेमोरी कार्ड का वो किया, ये पैक किया, कब चला गया पता नहीं, वापस वी हैव टू बी ऑन रोड यार। स्टाफ डर तो है, सही बात। वाटर। सो गाइस we are sitting in the car but our main focus is water, hydration, keep hydrated. So we're going to take our bikes, so in the meantime we are just getting ready for the ride we are now getting into in some time. We want to shake it. Yes, let's shake it. No, other side. So now it's ready to rock and roll, keep it in there. So dosto hum pahunch gaye wapas Rishabh सुजुकी पे, हमारी बाइकें चमचमाती हुई तैयार खड़ी हुई हैं टूर बैक। रॉक एंड रोल कहाँ है मेरी बाइक 26। ओह वाह, इसे फोन माउंट्स लग गए हैं बाइक्स। ये हमने रिक्वेस्ट करा था कि एक फोन माउंट्स अगर लग जाए सब बाइक पे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है शहरों के अंदर ना, फिर हम फॉलो करना पड़ता है, तो माउंट्स आर देयर, सो वी गॉट द माउंट्स, फोन माउंट्स। टू फ्लैग अस ऑफ। सांबर लेक की तरफ सनसेट से पहले पहुंचना है, ये हमारा चैलेंज है। और हम निकले हैं आपका, कहाँ से निकले कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहुत सारे शहर होते जा रहे हैं ना, निकले हैं जयपुर से। और या कल जैसे हमने सैंड ड्यून्स पे मस्ती करी थी, आज भी कुछ करने वाले, एकदम चमचमाती हुई शाइन की हुई। और जब कंपनी की बाइक है, कंपनी की राइड है, और कंपनी के शोरूम पे सर्विस सेंटर पे सर्विस हुई, तो अच्छे रगड़ के मैंने बोला था कि मैंने कहा और कुछ नहीं है, चेन क्लीन और ल्यूब अच्छे से कर दे, बिल्कुल चमका दे, एकदम चमका दिया भाई, मज़ा आ गया। चलो अब इसको फिर से गंदी करते हैं। सो दोस्तों सांबर लेक से पहले हमें एक और डीलरशिप पर जाना है, जस्ट टू मीट एंड यू नो सुजुकी ने एक ब्रांड एक राइड करी अरेंज, सो दे वॉन्ट की डीलरशिप्स भी जाएँ, वहाँ से भी मार्केटिंग उनकी भी हो सके एंड एवरी थिंग, यू नो इट्स लाइक अ। इस डीलरशिप का नाम है गणेशम सुजुकी। हेलो मैम। हेलो सर, थैंक यू। अरे सर ये आएगी आपके ऐसे पूरी फिट। वाह, ये मेरे साइज की। यस परफेक्ट। और आगे एक फोटो। यस।
solution. So now we don't have to stop, I think. We can save time. And thank you, sir. Sandwiches and some milkshakes. And thank you, Suzuki. Wow. Fine, the bottle is good. हमारे पास टाइम नहीं है, हमें 80-90 किलोमीटर जाना है, सनसेट से पहले पहुंचना है. And a lot of things going on. Because this ride is not just for us, it's for company also. Okay, sir. Thank you. आधा रास्ता हो गया दोस्तों, 50 मिनट और बचे हैं और अच्छी खींची है नॉन स्टॉप टकाटक. बस एक बार और को तो दोस्तों हमने मेन रोड छोड़ के ट्रेल पे आ गए हैं, पर आई डोंट तो दोस्तों हम सांभर लेक के आसपास वाले एरिया में आ गए हैं. सांभर झील वाहन पार्क, तो राइट में जो आप देख रहे हो ये पूरा इधर सांभर वाला जोन है. मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, भी मेरे को पता है बहुत सारी लोकेशंस होंगी कुछ अच्छी अच्छी, अभी तो मेरे को पता नहीं. तो हम कहीं तो जा रहे हैं और फिर आपको और दिखाता हूँ. ऐसी मूवी थी आमिर खान की, उससे भी आई थिंक सीन है सांभर लेक का. तो ये ट्रेन आई थिंक पहले चलती थी शायद, नमक कुआं यहाँ पे होता था, आई डोंट नो क्या था. लुक एट दैट दोस्तों, सामने क्या वास्ट है, पूरा खुला हुआ है, पूरा आगे एकदम वाह, फ्लैट लैंड एकदम. अगर यहाँ से थोड़ा सा, ओए ट्रेन जा रही है, ट्रेन असली में जाती है यहाँ से. ट्रेन देखो क्या लेके जा रही है, नमक लेके जा रही है, क्या लेके जा रही है. हाँ नमक ही लेके जा रही है भाई. तो देखो तो हमने आपको सांभर लेक की ट्रेन भी दिखा दी चलते हुए. अरे मैं कह रहा था अगर सारी ग्रीनरी हटा दो तो लद्दाख वाला वो नुब्रा वाला एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा है, चलो कोई बात नहीं, पर थोड़ी सी फीलिंग हम हर जगह लद्दाख वाली फील ढूंढते रहते हैं ना. सो दोस्तों फिर से हम मेन रोड छोड़ रहे हैं और आई थिंक सांभर लेक में अंदर की तरफ कहीं जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं पता नहीं मेरे को. वह ज़्यादा गहरी ना हो बस रेत, बाकी तो सब ठीक है. आई थिंक वी थोड़ा खो गए हैं, हम कहाँ पे हमें जाना था. सो है तो वही रस्तों पर हमें घूम के जाना है, हम उसके बैक साइड से चले गए थे इस वजह से हम वापस जा रहे हैं. कहाँ जाना है सर? जोजो के पीछे.
दोस्तों वो कैमरा की टीम है आगे जो इनोवा जा रही है, हमें फटाफट लोकेशन पे जाना है जहाँ पे शूट है, आसपास ही है बिल्कुल कहीं पे, और जो सन है वो हमारे पास करीबन 30-40 मिनट्स का बचा है। चलो 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 चलो, वी गो बिहाइंड देम। तो वंस मोर दोस्तों, हमने मेन रोड छोड़ के ट्रेल पे निकला है और आई थिंक दिस टाइम वी आर गोइंग टू द फाइनल लोकेशन। वो वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि वहाँ क्या बवाल है, कैसी लोकेशन है। कोई नहीं कोई नहीं, आराम से, बीच में मत आ, बीच में बहुत ज़्यादा पट्टी है। वो हाँ दोस्तों, ये है राजस्थान पहाड़ लोगों, राजस्थान। वाव वाओ 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 वाओ, करना क्या है अभी, कहाँ जाना है? तो हमें कहीं जाके खड़े होना है। सुनो, उनके पास चलते हैं। अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट थी। बीच नहीं, डिस्टेंस बराबर रखना। आई नो पता नहीं चल रहा होगा आगे कितना दूर है, बट मतलब थोड़ा बराबर बराबर चलो। बहुत एपिक शॉट आ चुके हैं ऑलरेडी, बट और बेटर लेते हैं। वी 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 1 2 2 वाइड प्लस सिंगल लाइक अ वी। माय मैन गुड वन। कुछ नहीं, बस यहाँ पे शूट चल रहा है हमारा सांभर लेक में, एंड शूट के साथ साथ हम इंजॉय भी कर रहे हैं अपना। ब्यूटीफुल, और थोड़ा हार्ड है इस पर, आसानी से चल पा रही है और बिल्कुल लेवल है, मतलब बिल्कुल लेवल है, मतलब कहीं गड्ढा नहीं कहीं कुछ नहीं। एंड या इट्स ब्यूटीफुल, सच अ वास्ट लैंड ड्यूरिंग सनराइज सनसेट। अमेजिंग सनसेट, वन मोर सनसेट ब्यूटिफुल। और इस बार हम सैंड ड्यून्स पे नहीं है, इस बार हम हैं सांभर लेक पे और बिल्कुल बस ऑन द स्पॉट है सन जाने वाला नीचे। एंड वी आर विद द अमेजिंग टीम ऑफ वी स्टॉर्म एसएक्स एडवेंचर। वी हैव अ कैमरामैन, वी हैव अ डायरेक्टर, वी हैव अ प्रोड्यूसर, वी हैव अ बाइक, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव फ्रेंड्स एंड वी हैव अ ड्रोन। बाय बाय दोस्तों, लव यू फ्रॉम सांभर लेक, बाय बाय। भाई ये सब हम देखा करते थे, आज कर रहे हैं। वाह, आर यू हैप्पी? यू द मैन, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? हैप्पी ब्रो। सर थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। कैसा लग रहा है? यू द मैन, यू द मैन, यू द मैन। वाओ, हैव फन। हां ब्रो, वर्क ना, ट्राई डू इट। Just look where you want to go
and put all the weight on left side. सो मच फन, क्या बताऊँ, बस कल जैसा फन आज एक अलग जगह पे फन, सुपर, मतलब वाह 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 वाह, मजा आ गया। लेट्स हिट इट। दोस्तों 7:30 बज गए और वहीं सांभर लेक में और शूट चल रहा है, आप देख सकते हो इधर इधर। गोप्रो में ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको, बट स्टिल लाइट से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उदयपुर में बोल रहे हैं ना वो, कल कल जाते ही दे देंगे इसको, अभी झाड़ के विल थ्रो इट आउटसाइड, कल जाते ही उदयपुर में लॉन्ड्री दे देंगे। आपने बोला कल उदयपुर में बहुत सारी लॉन्ड्री, विल जस्ट कीप इट, पैड्स निकाल के ना, जैकेट थोड़ा होल्ड करना, बाकी चीज़ दे देना। हाँ अभी पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ हाई टी कुछ कह रहे हैं। आ जा विनय, पैर मूछ खा गया यार। मूछ खा गया, उधर गिर गिर बचा ना वहाँ पे, वहीं सब जाके गिरे हैं। रेती बहुत ज़्यादा थी, अचानक से चेंज हो गई ना वो, मेरे पैर अच्छा खासा मूछ खाया। मूछ खाया तेरा? मूछ पता है कहाँ पे खाया? वहाँ नहीं खाया, मैं बताता हूँ कहाँ खाया। ये देख, मेरे पास वीडियो है तेरे मूछ खाने का। अभी चालू हो गया पता? हाँ वो पता रहा मैं तेरे को कहाँ खाया, मैं अभी वही वीडियो देख रहा था, मेरे को लगा तेरे को लगी होगी पक्की। लेफ्ट लेग, ये देख लेफ्ट लेग। हाँ अभी ये देख, ये देखा मुड़ा, देखा चल छो यू, ये मुड़ा अभी, क्योंकि तू बहुत तेज स्पीड पे आ रहा था एंड यू सडनली ब्रेक, और तूने पैर भी लगा दिए, तो बैंड नहीं लगानी चाहिए था। लेट इट स्किड उसके पैर में लगी हुई है। अक्षत तू चल आगे। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम, सब शूट हो गया और हम 8:30 बजे यहाँ से जा रहे हैं, 8:28, ठीक है। तो आप देख लो सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं दोस्तों, हम राइड भी कर रहे हैं, अपना व्लॉग भी बना रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं, लोकेशंस पे भी जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब कभी कभी अपने ऊपर ना प्राउड वाली फीलिंग आती है कि मतलब यू नो इतना सब कुछ कर रहे हैं, खुश हैं तब भी, बीइंग पॉजिटिव। नेचुरली जो चीज़ आपको पसंद है जब आप वो करते हो तो यू फील गुड। वो कहते हैं ना दिस इज कैन बी एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे कुछ लोग इतने खुश नहीं होते ना अपनी जॉब से या काम करने के तक, क्योंकि आप शायद वो चीज़ कर रहे होते हो जो आपका मन नहीं होता, तो 8-9 घंटे की जॉब भी बहुत बड़ी लगती है, और जब आप अपनी पसंद की चीज़ें कर रहे होते हो तो 12-14-15-16 घंटे भी आपको लगते हैं कि हाँ ठीक है यू नो। सो आई एम, मतलब कभी कभी लगता है कि मैं थोड़ा लकी हूँ कि बिकॉज ऑफ यू गाइस, योर लव, आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स, एंड माई फैमिली वो सपोर्ट्स मी अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को मेरे इस चीज़ के लिए। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब सो थैंक यू ऑल माई टी गॉड, भगवान, द सुपर पावर, वट एवर यू वॉन्ट से, थैंक यू, एंड थैंक यू यू गाइज यार टू कीप मोटिवेटिंग मी। बड़ा इमोशनल सा हो रहा हूँ मैं अभी, तो थोड़ी ऐसी बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। सो ज़्यादा मैं होता नहीं हूँ पर कभी कभी हो जाता हूँ, तो बड़ी खुशी है मेरे को। एंड आई मेट गुड फ्रेंड्स हेयर, न्यू फ्रेंड्स, यू नो गुड वाइब्स, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी थोड़ा सा एक पार्ट है रेतीला जो हमें क्रॉस करना है, धूल की वजह से मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है।
दोस्तों दूर दूर तक कुछ नहीं है, बिल्कुल सुनसान रास्ते से जा रहे हैं हम, बिल्कुल सुनसान। बीच में कहीं ऑफ रोडिंग है, कहीं कुछ है, फुल फन चल रहा है। सही बताऊँ तो वी स्टॉर्म को आग लगा रखी है वी स्टॉर्म में, मतलब आउटराइडर को तो मैंने खूब टेस्ट किया हुआ है। ये भी पिछले कुछ दिनों में हमारे 1000 से ऊपर किलोमीटर हो गए, हमारे 1200 कुछ किलोमीटर हो चुके हैं ऑलरेडी, और इससे भी तबाही मचा चुका हूँ काफ़ी, और कुछ चीज़ें इसके साथ ऐसी कर चुका हूँ जो मैं अभी तक मैंने आउटराइडर मतलब अपनी वी स्टॉर्म 250 के साथ नहीं करी है। सो मज़ा आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है वी स्टॉर्म 250 के बारे में। देख रहे हो दोस्तों कितना सुनसान रास्ता है, मतलब सांबर लेक से हम पुष्कर की तरफ जा रहे हैं, एंड दोनों तरफ जंगल जंगल सा ही है, बीहड़ टाइप। और यह फील तो आ रही है, देखो फील तो आ रही है, समझ रहे हो जो फील होती है ना, एडवेंचर ट्रैवल टूरिंग वाली फील आ रही है। रात को क्या मस्त भाग रही है, 80-90 पे तो इतनी मक्खन है कि पूछो मत। वी जस्ट स्टॉप दोस्तों अभी सुसु करने के लिए, एंड 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर होटल, एंड क्रेजी रोड यार, पर मज़ा आ रहा है। रोड्स ना ठीक है, आई एम सेइंग द रोड्स आर लिटिल बैड, बट इट्स अमेजिंग, यू नो, इट्स लाइक अ नैरो रोड, यू फील लाइक ऑन अ एडवेंचर टूरिंग। तो दोस्तों पानी पी लिया, मज़ा आ गया, बहुत लंबा दिन था यार, इट्स ऑलरेडी 1.5 डे पास, एंड स्टिल अभी एनर्जी बची है। बाइक पे बैठते ही वी स्टॉर्म पे अपनी एनर्जी सी आ जाती है भाई, ये तो है। ओके लेट्स डू इट। ओके सो वी आर 58 किलोमीटर्स और 1 घंटा 25 मिनट बता रहा है दोस्तों अभी, तो बढ़ते हैं आगे। तो मेरे माइक का ना जो डेड कैट होती है फर, वो फाइनली खो गया, 2-3 दिन से मेरे को लग रहा था कि वो खोएगा। सो आई डोंट नो कि अब कैसी आवाज़ आ रही है, तो ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ चेक करने के लिए उसके बिना क्या हालत है, फिर क्योंकि मैं जब मैं होटल पहुंचूंगा तो मैं फिर ये वीडियो चेक करूंगा और देखूंगा कि भैया कितनी आवाज़ आ रही है, वरना कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा इसका, क्योंकि फिर वैसे तो काम चलेगा नहीं। आई थिंक हवा वापस फुल कर रहे हैं हम, कल हमने रेत में डाली थी ना, कम करी थी सबने, तो सब वापस नॉर्मल कर लेते हैं, थोड़ी कम है टायरों में। कल नहीं, हाँ ठीक है, या वी कैन यूज इट दैट टाइम। थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई, थोड़ी हवा ठीक कर ली, नाउ लास्ट पुश फॉर टुडे, एंड 35 मिनट्स 19 किलोमीटर्स टू रीच, एंड एट 12 o'clock, सो आवर डे विल बी टुडे 4 to 4:12, एंड देन अनदर 8, सो इट्स लाइक 20 hours day today, 20 hours we were working today, actually 20 hours, yeah, 20 hours. तो दोस्तों होटल पहुंच गए हैं 11:40। तेरा GoPro ऑन है, पूरा हवेली टाइप लग रहा है, ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। अक्षत भाई के आज पैर में लग गई है, और बहुत ही गंदा वीडियो मेरे पास है इसका, जब इसका पैर मुड़ा था। मैं लेकर आता हूँ, कुछ लाऊं तेरा, पूरा एकदम किले में आ गए। इसे कहते हैं दोस्तों डेडिकेशन, चल नहीं पा रहा पर व्लॉगिंग पूरी है, डेडिकेशन है, पर एनीवे वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया चला है। इन दीज रोड्स वी बीट गूगल बाय 20 मिनट्स, इन दीज रोड्स, वेल डन, गुड राइड, अमेजिंग। oh.
105 भैया रूम का 105 216 116 प्रॉपर्टी देख लो दोस्तों। वाह जी वाह राजेश जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका एक नंबर। पूल भी है भाई बढ़िया एकदम। अनबॉक्सिंग वाह आई लाइक द कलर सो दोस्तों कैसे हो। हम पहुंच गए थे होटल और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आज ऑलमोस्ट 20 घंटे से ज़्यादा का ही दिन हो गया हमारा। तो काफ़ी टफ था। सुबह हम वहाँ पे गए जो हम आपको गए सनराइज़ का पॉइंट भी दिखाया और सनसेट भी दिखाया और बीच में सब डीलर्स पे गए थे। बहुत सारी चीज़ें हुई सो कुछ ना कुछ चलता रहा प्लस राइड भी हो गई प्लस अभी रात को आए करीबन हम वहाँ से 2 घंटे पुष्कर आए। एंड प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और वो भी वहाँ पे गिर गया था विनय भी और उसकी बाइक का लीवर पूरा मुड़ गया था प्लस अक्षत का पैर मुड़ गया है पूरा जैसे मैंने आपको भी दिखाया था पूरा मुड़ गया है चलने में भी दिक्कत हो रही है। एंड आई डोंट नो अभी राइड भी है काफ़ी दिनों की तो अब कल क्या होगा कहाँ जाएंगे नहीं जा पाएंगे क्या होगा सो लेट्स सी कल। सो भाई लोगों किले के अंदर जा रहे हैं डिनर करने। वहाँ हमारा रूम है अंधेरे में और ये किला है इस किले में जाएंगे हम। दोस्तों टेबल सजी हुई है हमारे लिए खाना खाने के लिए